नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन स्केल की एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो प्लेन स्केल की जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:5, हमें जो दिया गया है, हमें एक स्केल बनाना है जिसका रेशो दिया है 1:5 टू शो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। तो ये हमें प्रॉब्लम दी गई है। हमें इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक तो हमें ये याद रखना है। इसके अंदर जो हमें गिवन है वो क्या है, आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो हमें दिया है 1:5 यानी 1/5। और जो हमारा, अगर हम इसके अंदर लेंथ ऑफ स्केल निकालें, जो हमें लेंथ ऑफ स्केल बनानी है, तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर एफ इंटू मैक्सिमम जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कर सकते हैं। तो आर एफ इसके अंदर क्या है, 1/5। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मेजर करना है या कर सकते हैं वो है 5 डेसीमीटर। तो इसके थ्रू हम यहाँ लिखेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है 5 डेसीमीटर की जगह यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगी जो लेंथ ऑफ स्केल है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आई आपके पास लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपने एक स्केल बनानी है जो कि 10 सेंटीमीटर इस तरह से लंबाई में होगी 10 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल आपने इस तरह की बना ली जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो डिस्टेंस है 5 डेसीमीटर तक का है। तो 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। जो पहला हिस्सा होगा आप उसको 0 डिनोट करेंगे, रीडिंग देंगे, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, चौथा हिस्सा ये है और पांचवा हिस्सा ये है। यानी कि जो एक हिस्सा है वो 1 डेसीमीटर को दिखाता है। इस तरफ अगर हम रीडिंग लें तो ये सारी रीडिंग जो है डेसीमीटर की हैं। अब हम जो पहला हिस्सा है जहाँ पे हमने 0 मार्क किया है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में भी रीडिंग डिनोट करेंगे जो इसकी सब डिवीज़न होंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये बीच में ये 5 है और ये है 10। 1 डेसीमीटर जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि जो ये रीडिंग है, सब डिवीज़न है, ये सेंटीमीटर में है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से सेंटीमीटर में है और ये डेसीमीटर में है। आर एफ इसके बीच में लिखेंगे, वो क्या था हमारा, जो आर एफ था वो था 1/5। तो आर एफ है 1/5, तो यहाँ पे ये आप लिख देंगे। अब आपको रीड करना है, तो इस स्केल को रीड करना है, तो आपको कितना रीड करना है वो कुछ भी दिया हो सकता है। मान लीजिए जो आपको रीड करना है वो कितना है, इसके ऊपर 3.8 डेसीमीटर है। तो 3.8 डेसीमीटर है, देखिए ये 3 की लाइन है, ये 3 यहाँ तक है, 0.8 इस तरफ, 5 के आगे 6, 7, 8, तो 8 यहाँ तक है। तो यहाँ तक आप लाइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3.8 डेसीमीटर। तो इस तरह से 3.8 डेसीमीटर को आप इस स्केल के ऊपर दिखा सकते हैं। जो हमें लेंथ ऑफ स्केल निकाली उसको 5 बराबर भागों में बांटा जो कि 5 डेसीमीटर है। एक भाग 1 डेसीमीटर दिखाएगा और जो पहले वाला भाग है उसको फिर सब डिवीज़न में डिवाइड करेंगे जो कि सेंटीमीटर्स में आएगा। तो 3.8 आप इस तरह से 3 से यहाँ से जाके 3.8 डेसीमीटर आप इसकी रीडिंग को बना सकते हैं और इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये थी प्लेन स्केल की प्रॉब्लम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।